हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूज विद माया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉप ड्रामा सीजन के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलें फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 जुलाई में एयरवे डिजिटल पर रिलीज होने वाले ड्रामा कभी मैं और कभी तुम के बारे में। ये ड्रामा एवरी मंडे एंड ट्यूजडे 8 बजे एयरवे न्यूज पर दिखाया जाता है। ये इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामे में फहद मुस्तफा एक बार फिर इंडस्ट्री में वापस आए हैं। ये कहानी एक लव स्टोरी पर बेस है। इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट में फहद मुस्तफा, हानिया आमिर, इमाद अरफानी और नईमा भट्ट नजर आएंगे। इस ड्रामे में मरकजी किरदार मोहब्बत के तमाम जज्बात को जाहिर करते नजर आएंगे और सबने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया है। अब इस ड्रामे की कहानी की बात की जाए तो कभी मैं कभी तुम की कहानी दो भाइयों के गिर्द घूमती है, जहाँ पे फहद मुस्तफा मुस्तफा का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक लापरवाह सा लड़का दिखाया गया है जिसे सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने का शौक है और वो अपनी लाइफ को कभी भी सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई अदील, जो कि इमाद अरफानी रोल अदा कर रहे हैं, एक खुदगर्ज और मौका परस्त दिखाया गया है, जो कि अपनी लाइफ और अपने करियर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है। उसे सिर्फ पैसे से और स्टेटस से प्यार है। दूसरी तरफ हानिया आमिर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखाई गई है और बहुत ही अच्छी लड़की का रोल दिखाया गया है, जो कि अपनी फैमिली के बारे में लेकर बहुत ही सीरियस है। इस फिल्म की स्टोरी में दिखाया जाता है कि शर्जीना और अदील की मंगनी हो जाती है, लेकिन अदील रुबाब से शादी करने के लिए शर्जीना से मंगनी खत्म कर देता है, क्योंकि अदील एक लालची इंसान है और वह रुबाब से उसके पैसे के लिए शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। और वहीं पर शर्जीना के खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुस्तफा शर्जीना से शादी करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये शादी दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती होती है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है और यही इस ड्रामे की खूबसूरती है, जो देखने वालों को बहुत ही पसंद आ रही है। ये ड्रामा जाहिर करता है कि ये एक अजीम रिश्ता है जो दो अफराद के बीच होता है और दोनों एक दूसरे को मिलकर मुकम्मल करते हैं, क्योंकि दोनों अलग पर्सनैलिटीज के मालिक होते हैं। दूसरी तरफ अदील और रुबाब के ताल्लुकात भी दिखाए जा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, कि एट द एंड अदील रुबाब को छोड़ देगा या उसे धोखा देगा क्योंकि वो उसके पैसों के लिए उससे शादी की है। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा अदील और रुबाब के साथ, शर्जीना और मुस्तफ़ा के? अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।